न्यू चैप्टर बैलेंस स्कोर कार्ड। एक्चुअली इसको चैप्टर बना के शायद सिर्फ मैं ही पढ़ाता हूँगा। एक पैरा था इंस्टीट्यूट मैक में जिसको उठा के मैंने चैप्टर बना दिया। इसका कारण ये है कि इससे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है, और चैप्टर बनाने से कोई छोड़ के नहीं जाएगा। अगर एक पैरा रहेगा तो स्किप हो जाता है। हर बार क्वेश्चन आता है इससे, 5 मार्क्स का मिनिमम, अप टू 10 मार्क ऑल्सो कंबाइंड ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। कभी थ्योरी कभी प्रैक्टिकल, कभी थ्योरी प्रैक्टिकल मिला के 5 से 10 मार्क एवरी टर्म आ रहा है। सीएमए में थ्योरी की तरह आ जा रहा है, प्रैक्टिकल की तरह आ जा रहा है। तो यू कैन नॉट रिस्क दिस चैप्टर, एंड इट इज समथिंग वेरी इजी एंड मस्ट नो फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज गोइंग टू बिकम अ बिग एंटरप्रेन्योर समडे। कभी कोई जिंदगी में मालिक बनने वाले हैं किसी भी बिजनेस का, तो आपको ये पता ही होना चाहिए। ओके, सर्वे किया गया था बाई CIMA UK, विच इज द मदर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ ऑल कॉस्ट अकाउंटिंग बॉडीज इन द वर्ल्ड, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसने एक सर्वे किया था, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेल में जाएगा आज या कल में, आज तो नहीं जाएगा, कल परसों में जाएगा। इसमें बताया इन्होंने कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जितने भी टेक्निक्स हैं उसका एप्लीकेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, किस सेक्टर में होता है, और कौन कौन से टॉपिक का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है। इसमें सबसे ज्यादा रेटिंग मिला बैलेंस स्कोर कार्ड को, अप टू 70% ऑफ लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस आर यूजिंग बैलेंस स्कोर कार्ड एज ए टूल टू इम्प्रोवाइज देयर बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो जब इसका इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा है, एग्जाम इम्पोर्टेंस बाय डिफॉल्ट ज्यादा है। ओके, इसको पायनियर करने वाले या सोचने वाले दो फेमस प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड थे। उनका नाम था डॉक्टर रॉबर्ट कैपलन एंड डॉक्टर डेविड नॉर्टन। वो आपको मेरे मैट में हेडिंग में दिख रहा है, एंड डॉक्टर डेविड नॉर्टन। नॉर्टन एंटीवायरस आप यूज करते हैं ना, एक वो नहीं है भैया, और भी जगह नॉर्टन नाम हो सकता है, ऐसा क्या बात है। और कैपलन यूनिवर्सिटी करके एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, मतलब बेसिकली ये वर्ल्ड लेवल का कोचिंग इंस्टीट्यूट है एक, जो CPA और सीमा और भी बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेस को पढ़ाता है। बट वो कैपलन नहीं है, ये कैपलन कोई और है। इन्होंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारे रेवोल्यूशनरी आइडियाज दिए, और एक एक आइडियाज आज हमारे लिए एक चैप्टर है, बट दुनिया वालों का बहुत भला हुआ है इनके सोच से। इन दोनों ने मिलकर बेसिकली, कोई ऐसा नहीं होता है कि खाली बैठा है, चल बैठ के सोचते एक तो नया चीज बनाते हैं, इट्स नेवर लाइक दैट। इन दोनों ने मिलकर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजा, और वो सोल्यूशन इतना हिट हो गया कि फिर इन्होंने सोचा कि क्या ये एक ही जन का प्रॉब्लम है कि ये दुनिया वालों का प्रॉब्लम है। पता लगाए तो ये दुनिया वालों का प्रॉब्लम निकला, और दुनिया का प्रॉब्लम उसी सोल्यूशन से उसी तरीके से सॉल्व होता चला गया। तो फिर इन्होंने उसके ऊपर बड़े बड़े आर्टिकल लिखकर इसको पब्लिसाइज कर दिया। टुडे यू हैव अ डेडिकेटेड वेबसाइट ऑन बैलेंस स्कोर कार्ड, balancescorecard.com। एक वेबसाइट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया वालों को सिखाता है कि बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है। सर आप इतना भारी इंट्रोडक्शन दे दिया, बताइए अंदर में क्या है। कुछ भी नहीं, बातें बहुत छोटी सी है जो आप दिन भर अपने लिए सुनते हैं, दिन भर अपने सोशल एनवायरनमेंट में लोगों से सुनते हैं, बस वही बात को कंपनी के लिए बोल दिया गया।
ये कंपनी को भी वैसे ही सोच डालना चाहिए। पर वो बात फाइनली है क्या? बाबा रणछोड़ दास क्या कह के गए थे याद है? कुछ कह के गए थे, क्या था वो डायलॉग? काबिल बनो काबिल, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। मतलब चेज व्हाट, एक्सेलेंस। काबिल बनो, सक्सेस विल फॉलो, यही तो उनका कहना था। सक्सेस को चेज मत करिए, आप एक्सेलेंस को चेज करिए। काबिल बनो, ये इंसानों के लिए जितना एप्लीकेबल है वही चीज कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल है। इनका भी कहना यही है, मिस्टर कैपलन और मिस्टर नॉर्टन मिलकर एक ही बात बोले कि यू शुड चेज द फैक्टर्स विच ब्रिंग्स प्रॉफिट, नॉट जस्ट प्रॉफिट। उन्होंने उसके लिए एक टर्म रखा, नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। यू शुड चेज नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, एंड सक्सेस के लिए टर्म रखा फाइनेंशियल्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो। नॉर्मली देखा गया कि हर कंपनी जब से बना है तब से खाली यही सोच रहा है कैसे कमाएं कैसे कमाएं कैसे कमाएं। रुपया कितना आया, कितना हमारा प्रॉफिट आया, कितना हमारा एसेट बना, कितना हमारा वेल्थ बना, सब यही सोच रहा है। बट खाली जब आप प्रॉफिट सेल्स वॉल्यूम के बारे में सोचते हो तो यू विल नेवर बी एबल टू एक्चुअली अचीव दिस। व्हाट यू हैव टू अचीव इज द अदर फैक्टर्स दैट विल अल्टीमेटली लीड इन टू ब्रिंगिंग प्रॉफिट। ये ऐसा नहीं कि बाबा रणछोड़ दास ही पहली बार बोले हैं, ये चीज तो हम सालों से सुने आ रहे हैं। भगवत गीता में लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, लिखा हुआ है ना, चेज योर एक्शंस मा फलेषु कदाचन, क्या बोलते हैं, रिजल्ट्स विल फॉलो। और नहीं मिला तो वहां पे और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि फिर मान लो उनको देना नहीं था, या ऐसा बहुत सारा अजीब अजीब बात है जो कई बार पचता नहीं है। तो ठीक है, एक्शन फॉलो करते, रिजल्ट आए पीछे पीछे, तो रिजल्ट दिखता ही नहीं तो बोलते होता वही है जो मैं वही चाहता हूँ। तो कुछ कुछ चीज लगता है कि कैसे होगा, बट एनीवेज सब जगह बातें एक ही है कि आप अगर रिजल्ट सोचकर काम करोगे तो यू विल नेवर गेट द रिजल्ट। यू विल हैव टू सी अदर थिंग्स दैट अल्टीमेटली लीड टू रिजल्ट। यू शुड ऑल प्लान योर एक्शंस ऑन दोज अदर फैक्टर्स व्हिच पीपल हैव टेंडेंसी टू इग्नोर। इफ यू मेक दिस स्ट्रॉन्ग, अल्टीमेटली रिजल्ट विल फॉलो। इनका कहना है ये एनएफओ में, नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में, तीन पॉइंट आता है। एक इनोवेशन, क्या नया आप सोच रहे हैं, कहां पर, अपने प्रोडक्ट में या फिर अपने बिजनेस प्रोसेस में। बिजनेस प्रोसेस समझते हैं, प्रोसेस मतलब जिस तरह से प्रोडक्ट इनपुट से आउटपुट में ट्रांसफॉर्म होता है, तो पूरा सिस्टम किस तरह से इनोवेट किया जा सकता है उस पे सोचो। दूसरा, लर्निंग एंड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में सोचो। तीसरा, कस्टमर कैसे खुश हो जाए उसके बारे में सोचो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इस तीन के लिए सारे एक्शंस को लाइन अप कर दो, इसके पीछे सारा टाइम बिताओ, तो व्हाट यू विल सी कि जो फाइनेंशियल्स आपको चाहिए यानी कि प्रॉफिट, कैश फ्लोज, एवरीथिंग विल फॉलो, इट विल ऑटोमेटिकली कम। यू नीड नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट, इट विल बिकम ऑटोमेटिक इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ये पहली बार इस बात को 1980s में दुनिया के सामने लाया गया था। इट वॉज ड्यूरिंग दिस फेज, 90s में जाके बहुत पॉपुलर हुआ। 1980s में ये अपने बुद्धि से ऐसा कंपनी को एडवाइज करना शुरू किए। इनके पास बहुत सारी कंपनियां
या कंपनी के जो एमडीज या मान लीजिए ओनर्स हैं, वो सब आते थे और इनसे पूछते थे, बिकॉज दे वेर लर्नेड पीपल ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर हैं ये लोग, PhD किए हुए हैं अपने अपने फील्ड में, तो इनसे पूछते थे। आप बताइए क्या सुझाव है, ये आपको बता देते हैं। जैसे नॉर्मली हर कंपनी अपना तरक्की के लिए सुझाव लेने जाता ही है, और सुझाव देने के लिए यूजुअली PhDs और स्कॉलर्स लोगों का ही एडवाइस लिया जाता है, क्योंकि ये लोग हर चीज को एनालिटिकली समझ पाते हैं, जबकि बिजनेस करने वाला जो फील्ड पे काम करता है वो कहीं ना कहीं बायस हो जाता है। इवन गवर्नमेंट कीप्स दिस काइंड ऑफ लर्नेड पीपल फॉर एडवाइजरी रोल, कि गवर्नमेंट भी सोचे कि कल को मेरे को ये चीज करना है तो मैं कैसे करूं। बहुत सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आज भी आते हैं, जैसे जो स्टार्टअप का जमाना चल रहा है जिसमें लोग पीछे पड़े हुए हैं, खाली कैसे मल्टीफोल्ड ग्रोथ लाएं, कैसे और फंडिंग का दिमाग लगाएं, तो बहुत सारे स्टार्टअप फेल होते चले जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि मोर एंड मोर फोकस हैज बीन डाइवर्टेड टू फाइनेंशियल, नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ डेवलपिंग द नॉन फाइनेंशियल। तो बहुत सारे रिसर्चर्स का कहना है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डेवलप नॉन फाइनेंशियल इज अ स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन विद एकेडमिशियंस। एकेडमिशियंस मतलब समझ रहे हैं, जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके साथ आप कोलैबोरेट करिए, उनके एडवाइस से, उनके सोच से शायद आप नॉन फाइनेंशियल्स में और गहराई में घुस पाएंगे, जिससे आपका फाइनेंशियल सुधर जाए। इट्स रिक्वायर्ड, दैट्स ओनली इज सपोज टू ब्रिंग सस्टेनेबल बिजनेस, मतलब ऐसा बिजनेस जो कभी डूबेगा नहीं, जो हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा। एंड इसी रीजन से वो कंपनियां जब ये चीज को समझती थी, इसी रीजन से वो कंपनियां जब इस चीज को समझती थी तो एकेडमिशियन को अप्रोच किया गया। आप बताइए क्या करें। ये 1980s में यूके में, यूएस में शुरू हो गया, पहले यूएस में शुरू हुआ फिर यूके में गया 1980s में, इंडिया में अब शुरू हो रहा है। इंडिया हैज आल्सो स्टार्टेड दिस एंड इट हैज स्टार्टेड इन दिस 2010 के बाद से। 2012 में पहली बार सुनने में आया कि टाटा ने बैलेंस स्कोर कार्ड बनाया अपने लिए, जो इनके कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनता है, टाटा ने पहली बार बनाया। और अब बहुत सारे आर्टिकल्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं कि आप ये सब चीज के बारे में सोचिए। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये ध्यान में रखना, आप जो भी चीज पढ़ेंगे, जो चीज यूएस में और यूके में 80s में हो चुका है, इंडिया में अब हो रहा है, वी आर ऑल 30 years बैकवर्ड, वी आर ऑल 30 years बैकवर्ड। एंड डोंट टेक मी अदरवाइज, मैं तो यंगस्टर्स को पढ़ा रहा हूँ, मेरे से 5 साल 10 साल जूनियर लोग, तो मुझे लगता है कि ये 10 साल जूनियर लोग जो लोग हैं, ये लोग 30 को शायद ही 29 भी कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों के पास उतना भी रिसोर्सेज नहीं आ रहा। आप अगर कल को बिजनेस करना चाहते हो, आपके पास क्या रिसोर्सेज है? कुछ नहीं है, स्ट्रगल तो वैसा ही का वैसा ही है। सिचुएशन इज फर्म, इट्स नॉट दैट कि 10 साल बाद वो गैप 30 का 25 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं दिखता है। वी विल स्टिल बी 30 years बैकवर्ड। जो चीज वहां पे 30 साल पहले सोच के एग्जीक्यूट कर दिया गया था, वो चीज आज हम लोग जान रहे हैं, फिर भी अप्लाई करने से वो पहले बोलेंगे छोड़ना है यार, ये सब का क्या करना है, अल्टीमेटली प्रॉफिट चाहिए, कुछ करना नहीं चाह रहा है। बट देर आर सम एजुकेटेड कंपनीज, या द कंपनीज आर देयर हु हैव गॉट स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन विद दिस एकेडमिक पीपल, वो लोग इनको कंटिन्यूअसली पुश कर रहे हैं, आप ये करो वो करो, वो कर रहे हैं, चाहे रो के करे चाहे हंस के करे, और उनके यहाँ रिजल्ट आ रहे हैं। तो रेजाइम इज गोइंग टू चेंज इन लिटिल टाइम, यू विल ऑब्जर्व दैट द न्यू थिंग्स आर कमिंग अप। और मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने भी अपना SGC इंस्टीट्यूट शुरू किया, तो आई डिड नॉट हैव एनी कोलेबोरेशन विथ एनी वन कि ये कैसे इंस्टीट्यूट खोला जाता है, कैसे इसको चलाया जाता है, कोई गाइड तो नहीं था।
आप लोग सोचते हैं ना कि सीए कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, कोई सीनियर मिल जाए, कोई गाइड मिल जाए तो कोर्स अच्छे से कर लें। बट कोई गाइड नहीं होता है तो क्या वो अच्छा सीए नहीं कर पाता है, कर लेता है। तो कुछ ना कुछ को तो गाइड बनाना पड़ता है ना, चाहे कोई नोट्स को गाइड बनाए, चाहे कोई क्या बोलते हैं, कोई टीचर को गाइड बनाए, या किसी चीज को भी लेके आप सिस्टम को गाइड बनाए आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने गाइड बनाया हुआ है बैलेंस स्कोर कार्ड को। मैं अपने लिए अगर बात करूं तो मैंने बैलेंस स्कोर कार्ड को ही गाइड बनाया हुआ है। एंड एवरी डे व्हेन आई वेक अप आई फॉरगेट माय फाइनेंस, आई स्टार्ट टेकिंग इन दिस थ्री पर्सपेक्टिव्स कि इसमें आज क्या, उसमें आज क्या, इसमें आज क्या। मैं सुबह से खाली यही करता हूँ कि आज मेरे को इनोवेशन इन प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्रोसेस में क्या करना है, लर्निंग एंड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज में क्या करना है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करना है। बस उस पे दिमाग लगाते हैं, 10 चीज सोचते हैं तो दो तीन चीज करते हैं, और वो दो तीन चीज करके जो सुकून मिलता है उसके बाद अपने आप नेक्स्ट डे देखते हैं कि हाँ फाइनेंस की जब जरूरत पड़ती है तो अपने आप आ जाता है, स्टूडेंट एनरोल कर ही लेते हैं, चीजें चल रही है। या नथिंग लाइक मल्टी फोल्ड 100 टाइम्स ग्रोथ इन अ ईयर, 10-20 टाइम्स ग्रोथ इन अ ईयर, ऐसा नहीं है, बट रीजनेबल ग्रोथ इज ऑल्सो कमिंग, विच इज एक्चुअली मोटिवेटिंग टू वर्क फर्दर। सब कुछ आ रहा है, बट इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर फोकसिंग ओवर हियर। अगर मैं आपके लिए बोलूं तो इट कैन बी यू ऑल आर स्टडिंग फॉर मार्क्स। भैया मार्क्स आएगा तो भैया पास हो जाएंगे, तो भैया क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो, अगर वैसे पढ़ाई करना नहीं होगा, इनका सोच के हिसाब से अगर चले, इस फिलोसॉफी से चले, तो इनका कहना नहीं होगा, टेंशन पालते रहिए, इंस्टेड आप तीन दूसरे चीज में आ जाइए। और इन्होंने ये जो तीन हेडिंग बना दिया ना, ये इतना जनरलाइज्ड है कि आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तीन ही हेडिंग क्यों, और कोई हेडिंग क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने बहुत बुद्धि लगा के तीन पॉइंट पकड़ा। इनोवेशन मतलब आपका पढ़ने का तरीका में क्या नयापन, आप वैसे ही पढ़ रहे हैं जैसे कि, जैसे मान लीजिए छत पे जाके लाइट जला के रात में अंधेरे में अब बल्ब जला के, एक तो पहले घूम घूम के पढ़ते थे, अभी भी वैसे ही पढ़ रहे हैं, और पहले कभी पास नहीं हुए तो अभी भी नहीं होंगे। इट्स ऑल हाउ यू हैव बीन डूइंग द वर्क। अगर वही चीज आप आगे करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। व्हाट न्यू थिंग यू आर प्लानिंग टू डू, थिंक ऑफ इट। व्हाट न्यू कोर्स यू आर प्लानिंग टू टेक अप, इनोवेशन इन प्रोडक्ट और मे बी हाउ यू डूइंग द वर्क, सोचिए उसके बारे में। लर्निंग एंड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज में अभी आपके कॉन्टेक्स्ट में कोई एम्प्लॉयज नहीं, आप खुद ही एम्प्लॉय हो अपने आप के, तो आप अपना नॉलेज कैसे बढ़ा रहे हो। लर्निंग इज नॉलेज एंड ग्रोथ इज बेसिकली कनेक्टेड विथ प्रोमोशन इन टर्म्स ऑफ रेमुनरेशन और लाइफ स्टाइल। तो आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो, कैसे अपने आप को रिवॉर्ड कर रहे हो, ये आपको सोचना है। एंड तीसरा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज बेसिकली अबाउट योर स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन, जो आपसे रिलेटेड लोग हैं, जो आपके रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनको आप सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रहे हो। जब आप ये तीन कर रहे हो, यू आर लीडिंग अ सक्सेसफुल लाइफ, यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, यू डोंट हैव टू चेज सक्सेस, एवरीथिंग विल फॉलो। तो ये चीज जो है, अगर हमारे बिजनेस में अप्लाई होना शुरू हो जाए तो द रिजल्ट हैज टू कम। इनका कहना है हर एक को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ, ये तो कैटेगरी है ना इनोवेशन, कुछ ना कुछ आपको इंडिकेटर्स लेने पड़ेंगे। इंडिकेटर्स मतलब हाउ यू आर गोइंग टू डू इनोवेशन, बेसिकली इंडिकेटर्स आर फॉर हाउ, व्हाट काइंड ऑफ इनोवेशन, कैसे आप इनोवेट करोगे। तो यू माइट से दैट से आई एम अ सुपरमार्केट, सुपरमार्केट समझ रहे हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो मैं इनोवेशन में ये करूंगा कि होम डिलीवरी सिस्टम शुरू करूंगा, होम डिलीवरी, या समझ लीजिए इनोवेशन में से मैंने सोचा ऐप बेस्ड बुकिंग, एंड्रॉयड ऐप, आईफोन का ऐप बेस्ड बुकिंग शुरू करूंगा, जो अभी तक कभी किया नहीं, तो इनोवेशन है। समझ पा रहे हैं, ऐप बेस्ड बुकिंग कैन बी एन इनोवेशन पार्ट। तो इफ दिस
दिस इज डिसाइडेड एज अ मेजर फॉर इनोवेशन, इसको अपने बोलते हैं इंडिकेटर। इसका और अच्छा नाम है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की KEY, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, KPI बोलते हैं इन शॉर्ट, KPI। व्हाट दे आर इलेबोरेटिंग कि इन एवरी सेक्टर यू शुड हैव KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी जिससे पता चले कि आप इसके लिए कितना काम कर रहे हैं। खाली इनोवेशन कर रहे हैं बोलने से तो नहीं होगा, एग्जैक्ट हो जाइए कि इनोवेशन मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं। फिर इसका भी टारगेट लीजिए कि ये कब तक हो जाएगा, फिर एक्चुअल को नोट करिए, कंपेयर करके वेरिएंस पता करिए, गड़बड़ क्यों आया उसको एनालाइज करके रेक्टिफाई करिए। और जरूरी नहीं है यहाँ पे नंबर्स ही हो, यहाँ पे डेट भी हो सकता है। जैसे आप ऐप बेस्ड बुकिंग के लिए 31 मार्च 2016 सोच रखें फॉर एग्जाम्पल, देखिए एक्चुअल में कब हुआ, एक मान लीजिए 10/4 को हुआ, तो ये 10 दिन का लेट डिले क्यों हुआ, ये वेरिएंस 10 दिन का क्यों आया, तो उसका रीजन पता करके उसको रेक्टिफाई करिए। ऐसा कुछ आपको तैयार करना पड़ेगा अपने लिए। ये इनोवेशन का हुआ, इसी तरीके से लर्निंग एंड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज में डालिए, इसी तरह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन में डालिए, और इसी तरह से फाइनेंशियल्स में भी डालिए। ये नहीं बोलते कि फाइनेंशियल्स को पूरा इग्नोर करके चलिए, फाइनेंशियल में भी डालिए क्या क्या आप सोचते हैं। जैसे लर्निंग एंड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज में आप बोल सकते हैं कि इम्प्लॉय का ट्रेनिंग होना चाहिए ऑन MS Excel, इन लोग को एक्सेल पे काम करना नहीं आता, तो आपने ऐसा अगर सोचा तो ट्रेनिंग कितना होना चाहिए, 4 ट्रेनिंग पर ईयर, 4 पर ईयर ऐसा आपने लिखा, हुआ फिर कितना, 3 ही हुआ, क्यों एक कम हुआ पता करिए रीजन, किस कारण से नहीं हो पाया, अगली बार ऐसा ना हो ऐसा देखिए, जब 4 सोचा तो 4 को अचीव करिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए से आपने सोचा कि हम लोग होम डिलीवरी शुरू कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल सुपरमार्केट को लेके चल रहे हैं, होम डिलीवरी शुरू कर देंगे, या फिर कोई डिस्काउंट ऑफर रखेंगे, वो डिस्काउंट ऑफर में क्या टारगेट कर रहे हैं, कितना नंबर ऑफ कस्टमर्स आएगा, मे बी से 10,000 कस्टमर्स आएगा, और फिर आया 11,000, अच्छा ही हुआ, 1,000 ज़्यादा कैसे आया, एनालाइज करिए और पता लगाइए क्यों हो रहा है, उसको सुधारना है तो सुधारिए, अगर कुछ एबनॉर्मल रीजन से हुआ है तो अच्छा है, तो फिर अगला बार से 11,000 का टारगेट लीजिए, पता लगाइए गड़बड़ क्यों आ रहा है, कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, गड़बड़ है कि नेचुरल है, ठीक से देखिए। फाइनेंशियल्स में आप देखिए फिर कि सेल्स वॉल्यूम कितना हुआ, मार्जिन कितना आ रहा है, प्रोडक्ट वाइज मार्जिन क्या आ रहा है, तो ये सब फाइनेंशियल्स की पार्ट है, वो सब भी आप देखिए, टारगेट में डालिए, एक्चुअल में डालिए और फिर वेरियंस निकालिए। इनका कहना है कि हमारा जो 4 कैटेगरी है, आपको सारे स्ट्रेटेजी बनाने हैं पहले 3 के ऊपर, चौथा अपने आप आएगा, बट चौथा को इग्नोर नहीं करना है, हर एक को पता लगाने के लिए उनका KPIs आपको पता करना है और उसका टारगेट भी नोट करना है और उसके अगेंस्ट में काम करना है, उसके अगेंस्ट में काम करना है। इफ यू डू दिस यू कैन अचीव एनीथिंग। ये एक्चुअली अगर देखे ना, तो मैं जब जब इसको पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ, मुझे लगता है तो सभी कोई शायद करते होंगे, बट उनको पता नहीं है कि इसका नाम बैलेंस स्कोर कार्ड है। जैसे आप लोग भी कभी पढ़ने बैठते हैं तो शायद खाली फाइनेंशियल्स को लेके स्कोर कार्ड तो बनाते ही हैं, मतलब कौन सा सब्जेक्ट, क्या क्या चैप्टर, कितना देर लगेगा, कितना मार्क्स का इसमें आएगा, सारा ही आप बनाते हैं, टारगेट क्या है, एक्चुअल क्या है, और टारगेट एक्चुअल से डिविएट करते हैं तो हम बस एनालाइज और रेक्टिफिकेशन काम करते हैं, हम बस सोचते हैं अगला टर्म दे देंगे, हम लोग एनालाइज रेक्टिफिकेशन कम करना चाहते हैं, हम सोचते हैं छोड़ इस टर्म नहीं देंगे अगला टर्म दे देंगे, बट कंपनी के पास अगला टर्म नहीं होता है, एक बार कोई नुकसान हो गया तो कॉम्पिटिटर आके मार्केट ले गया, फिर आपकी कंपनी बंद, देर इज नो सेकेंड टर्म, तो उन लोगों के पास रास्ते नहीं होते, इसलिए उनको रेक्टिफाई करने हैं। बट आई एम सेइंग कि कहीं ना कहीं इसको हम सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं, इसी को इन्होंने एक स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन में डाल दिया, इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, थिंग्स को स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन में डाल दिया। ओके इसमें एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन में पूछता है व्हाट आर द 4 पर्सपेक्टिव्स ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड,
फोर परस्पेक्टिव में चार नाम आपको एकदम ध्यान होना चाहिए। इनोवेशन, तो इनोवेशन के बारे में बताना होगा, एक एग्जाम्पल लिख के दिखाना होगा। दूसरा आपको बोलना है लर्निंग एंड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज, तीसरा आपको बोलना है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, चौथा आपको बोलना है फाइनेंशियल्स। सबके केपीआईज के एग्जाम्पल्स आपको देने होंगे, तब आपको मार्क्स मिलेगा। और इसी को लेके जब आप एक टैब्यूलेटेड प्रेजेंटेशन करते हो जिसमें टारगेट और एक्चुअल डाल देते हो, टारगेट एक्चुअल डाल देते हो और वेरिएंस निकाल लेते हो, तो ये टेबल को ही हम लोग बोलते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस वर्ड इसलिए कि इनका बोलने का मत सिस्टम ये है कि आप अगर एफर्ट सारे पहले तीन पे डालोगे तो चौथा वाला आपका एफर्ट को बैलेंस करने आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और आपको सारे काम को बैलेंसिंग वे में यानी बैलेंस्ड वे में पिकअप करने, इस काम को करके उस काम को भी करना है, ऐसा ना हो कि फोकस एक ही जगह रह जाए। और स्कोर कार्ड बोलने का मतलब ये है कि इसमें जो नंबर्स हैं वो स्कोर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। एक नया चीज सिखाते हैं आपको, इसमें जो ऐप बेस्ड बुकिंग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन लोग क्या करते हैं, टारगेट और एक्चुअल तो चलता ही है, वेरियंस तो चलता ही है, एक और इसका इनोवेटिव तरीका बताया गया कि ऐप बेस्ड बुकिंग के बाद अगर आपके पास मान लीजिए हर एक में तीन तीन ठो मिला, तो हर एक का एक पॉइंट डाल सकते हैं कि अगर ये किया ऐप बेस्ड बुकिंग तो 100 पॉइंट में 10 पॉइंट मिलेगा। दूसरा मान लो ऐप बेस्ड बुकिंग के बाद आपने कोई एसएमएस बेस्ड बुकिंग सिस्टम शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल एसएमएस बेस्ड बुकिंग शुरू किया तो 5 पॉइंट मिलेगा। ऐसे एक स्टैंडर्ड पॉइंट डाल दिया कि ये करने से 5 पॉइंट, ये करने से 10 पॉइंट, गेम जैसा। और फिर इम्प्लॉय ट्रेनिंग हो गया तो 8 पॉइंट मिलेगा, होम डिलीवरी एग्जीक्यूट कर दिए तो 6 पॉइंट मिलेगा, ऐसा करके सबका पॉइंट डाल लेते हैं। दैट इज अगेन अ सॉर्ट ऑफ टारगेट कि ये पॉइंट अचीव करना है। और एंड ऑफ द ईयर के लिए, जैसे अगर ये टोटल 100 बना दिया हमने, 100 बना दिया, तो एंड ऑफ द ईयर के लिए हम अपने नीचे वाले मैनेजर्स को बोल देंगे भाई ये मेरा टारगेट है, तेरे को ये सब करके दिखाना है, खाली प्रॉफिट फेवरेबल आ रहा है उसको मत दिखाओ, ये सबके ऊपर काम करो। एंड ऑफ द ईयर में हम ऐसा बोल देंगे अगर तुमने 50 से नीचे स्कोर किया तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे, ऐसा कुछ टारगेट दे दीजिए। अगर तुम 50 से लेके 75 में स्कोर किया तो सैलरी का 10% बोनस, 75 से 90 तक स्कोर किया 25% बोनस, 90 से ज्यादा स्कोर किया 30% बोनस, तो आदमी झक मार के हर एक के पीछे काम करेगा। तो टारगेट आपने हर एक को लेके दे दिया है, और एक्चुअल में फिर वापस इवेल्युएट करके काम हुआ कि नहीं हुआ, फिर पॉइंट बिठाया जाएगा कि 10 में कितना देना है, ऐप बेस्ड काम में कितना दूर तक पहुंचा है, तो 9 दे दीजिए, शुरू ही नहीं हुआ है तो 0 दे दीजिए, पूरा हो चुका है और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं तो 10 में 10 दीजिए। इस तरह से इवेल्युएट करके एक फाइनल स्कोर निकालिए। स्कोर से आप फिर रिवॉर्ड सिस्टम लिंक कर सकते हैं, स्कोर से आपको पता चलेगा कि ओवरऑल आपका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ खड़ा हुआ है, 100 में कितना स्कोर आ रहा है, हर एक के पीछे कितना काम हो रहा है, आपको भी पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये स्कोर सिस्टम जब डिवाइस हुआ तो इसका नाम रख दिया स्कोर कार्ड। स्कोर सिस्टम के पहले था जस्ट अमाउंट लिखो कंपेयर करो, अब स्कोर सिस्टम आने से अमाउंट के जगह पॉइंट्स डाल दिए हर एक के जगह, और उसमें भी लिंक कर दिया हर एक पॉइंट को किसी तरीके से ये डेट के साथ। जैसे मान लीजिए एसएमएस बेस्ड का अगर मैंने डेट डाला हुआ है 31 मार्च फॉर एग्जाम्पल, तो 5 पॉइंट मिलेगा। तो मैंने उसमें भी टारगेट में भी अलग अलग लेवल बना दिए कि अगर 31 मार्च है तो 5 पॉइंट, 15 अप्रैल है तो 4 पॉइंट, ऐसा करके हर एक में पॉइंट्स को आप एक्चुअल वैल्यूज ऑफ टारगेट से भी लिंक कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली आप एक स्कोर सिस्टम डिवाइस करके टोटल में स्कोर निकाल कर एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड कर सकते हैं। ये चीज को लोगों ने बहुत गहराई से समझा। अभी आज इंडिया का स्टेटस क्या है, मैं आपको बताऊं, इंडिया का वर्ल्ड का स्टेटस, ये चीज जो इन्होंने बताया सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए, इसको अप्लाई कैसे कैसे करते हैं, आप लोग के साथ भी होगा। जितनी भी कंपनियां
आपका अप्रेजल करेगी एज एन एम्प्लॉय। जब आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन के लिए अप्रेजल होता है। अप्रेजल मींस बेसिकली इवेल्युएट किया जाएगा कि आपने इस साल कितने अच्छे से काम किया, और अप्रेजल करने के लिए पूरा बैलेंस स्कोर कार्ड का फंडा है, पूरा ह्यूज एप्लीकेशन इन एचआर। कैसे? अप्रेजल करने के लिए उन्होंने ये चार नहीं 10 पर्सपेक्टिव्स बना लिए। जैसे अभी तो चार ही बताया ना, इनोवेशन, लर्निंग एंड ग्रोथ, कस्टमर्स और फाइनेंशियल्स। उसके जगह यहाँ पे इन्होंने 10 तो बना लिए, और हर एक का केपीआई नोट कर लिया है। इसका 3 KPI है, इसका 4 KPI है, हर एक का नोट कर लिया। सबके लिए एक टारगेट पॉइंट दिए गए हैं कि इसमें आपको 6 मिलना चाहिए, तो इसमें 4 मिलना ही चाहिए, इसमें 3 मिलना चाहिए। फिर आपके बॉस को बोला जाता है, मैनेजर को बोला जाता है, जो आपका हेड है कंपनी का, मालिक के पास वो भी डिटेल बाद में जाएगा। आपका जो इमीडिएट बॉस है उसको बोला जाता है, इसको पॉइंट दे दो भाई। वो एक्चुअल में आपको पॉइंट्स देगा, और हम एक्चुअल पॉइंट को टारगेट पॉइंट से मल्टीप्लाई करके एक वेटेड एवरेज स्कोर निकाल लेंगे, या फिर वेरिएंस को किसी तरीके से जोड़ जाड़ के एक स्कोर निकाल लेंगे, या एक्चुअल पॉइंट से स्कोर निकाल लेंगे। वो कंपनी का अपना अपना तरीका है। कोई एक्चुअल को टारगेट से परसेंटेज बना के स्कोर निकालेगा, कोई एक्चुअल को जोड़ देगा, कोई एक्चुअल माइनस टारगेट करके स्कोर निकालेगा, कोई एक्चुअल इनटू टारगेट करेगा, कोई वेरिएंस इनटू टारगेट करेगा। सबका अपना अपना तरीका है, उसको जोड़कर एक स्कोर निकालेगा। ओवरऑल स्कोर अगर जैसे मान लीजिए अप टू 100 आने का बात है, तो जैसा जिसका स्कोर हुआ उसके हिसाब से उसको प्रमोशन देना है। हाईएस्ट स्कोर शुड विन। तो इससे क्या है कि अगर कहीं कमी रह गई, फिर लास्ट में आपको ये दिखाया जाता है कि देख तेरा स्कोर इतना आया, ऐसे ऐसे आया, तो अगर कहीं कमी रह गई तो आप वो सेक्टर को देख के इम्प्रूव कर सकते हैं। अगले साल हो सकता है आप 3-4 पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छा परफॉर्म किए, बाकी 2-3 पर्सपेक्टिव में परफॉर्म नहीं कर पाए। तो सारे पर्सपेक्टिव में परफॉर्म करेंगे तभी आपको प्रमोशन मिलेगा। तो किसी जगह आप स्ट्रांग थे, किसी जगह आप वीक थे, इसलिए आपको परफॉर्मेंस बोनस ज्यादा नहीं मिला। बट अगर आप ओवरऑल स्कोर करते तो मिलता, तो अगली बार आप इम्प्रूव करिए। अप्रेजल सिस्टम में अगर आपके कोई जान पहचान के लोग हैं जो बड़े एमएनसी में काम करते हैं, आप उनसे पूछिए, ऐसे ही अप्रेजल होता है। और वो फंडा बैलेंस स्कोर कार्ड से बोरो किया गया है। देयर आर कंपनीज विच गिव प्लेंटी ऑफ मनी टू कंसल्टेंसी पीपल हु फ्रेम अ बैलेंस स्कोर कार्ड फॉर अ कंपनी। मतलब ये जो चार्ट है ना, कितने पर्सपेक्टिव होने चाहिए और हर एक के केपीआई क्या होने चाहिए, हर एक का टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, ये भी तो कोई बताएगा, तब ना फिलअप करवाएंगे। तो कुछ कुछ कंपनियां हैं जो करोड़ों रुपए खर्च करके कंसल्टेंट लोगों से बनवाती है, और ऐसे कंसल्टेंट ही थे डॉक्टर रॉबर्ट कैपलन एंड डॉक्टर डेविड नॉर्टन। ये लोग कंपनियों के लिए इस तरीके का काम करते थे, और जब इन्होंने कुछ बना के दिया और वो चीज सब में अप्लाई हो रहा है, तो ये हिट टॉपिक हो गया। मैंने एक बताया कंपनी अप्रेजल, दूसरा गवर्नमेंट इसको टेंडर सिलेक्शन में यूज करता है। पहले क्या होता था टेंडर में, आपको मालूम है ना, लोवेस्ट बिड जीत जाता था। मतलब खाली फाइनेंस पे सोचते थे, इसलिए क्वालिटी खराब होती थी। यूएस गवर्नमेंट ने सिस्टम शुरू किया कि खाली हम कॉस्ट से किसी को टेंडर अवार्ड नहीं करेंगे। हमारा 10 पैरामीटर है, हर एक पैरामीटर का एक एक केपीआई है, या दो दो केपीआई है, सब में स्कोर करना होगा। ओवरऑल स्कोर इतना से ज्यादा आया तब टेंडर मिलेगा। कॉस्ट उसमें एक पैरामीटर है, फाइनेंशियल्स बोल के एक और पैरामीटर है, उसमें कॉस्ट है, कॉस्ट का भी रेंज डाला हुआ, उसके हिसाब से उसका पॉइंट डाला हुआ है। ओवरऑल स्कोर सही आया तो हम आपको टेंडर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लॉजिकली वही होना चाहिए। मैं तो हमेशा बचपन में यही पढ़ता था कि टेंडर में हमेशा लोवेस्ट बिडर जीत जाता है। तो मेरे मन में सवाल आता ही था कि यार अगर लोवेस्ट बिडर जीतता है तो क्वालिटी क्या देगा, तो गवर्नमेंट हमेशा सस्ता वाला से काम क्यों कराता है। यूएस गवर्नमेंट के बारे में जब पढ़ा तो पता चला ये लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं। अभी टेंडर सिलेक्शन में आप सोचिए, गवर्नमेंट के केस में छोड़ दीजिए, अभी हम सीए फर्म, सीएमए फर्म वाले जितने भी लोग हैं, ये लोग भी गवर्नमेंट के साथ एम्पैनल होते हैं, टेंडर भरते हैं, ऑडिट का काम मिलता है। आपको अगर पता हो
पीएसयू से काम मिलता है। अभी मैं कुछ दिन पहले हमारे फर्म का पीएसयू के लिए टेंडर भर रहा था, तो देखा पूरा ब्यूटीफुल बैलेंस स्कोर कार्ड कॉन्सेप्ट। बोलता है कि फर्म जिस दिन से इनकॉर्पोरेट हुआ, अगर वो इयर्स 5 ईयर से ज्यादा है तो इतना पॉइंट, 10 ईयर से ज्यादा है तो इतना पॉइंट, 15 ईयर से ज्यादा है तो इतना पॉइंट, उसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स जो एफसीए हैं, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अगर वो 3 है तो इतना पॉइंट, 5 है तो इतना पॉइंट, 10 है तो इतना पॉइंट, ओवरऑल ऐसे करके सारे पैरामीटर्स के पॉइंट्स रखे गए हैं, ओवरऑल स्कोर आपका इतना से ज्यादा हुआ तो आपको टेंडर अवार्ड किया जाएगा। वो उन लोग डिक्लेयर उस समय नहीं करते, बाद में डिक्लेयर करते हैं, या फिर उन लोग बोलते हैं जो ओवरऑल बेस्ट स्कोर करेगा उसको टेंडर अवार्ड देंगे। उसी टेंडर सिलेक्शन के लिए सिस्टम बन चुका है। तीसरा, अभी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट, आपने ये सुना होगा, मोदी जी मेक इन इंडिया प्रमोट कर रहे थे, तो बीच में एक पोजीशन से एक बात उठी कि मेक इन इंडिया प्रमोट करते करते उन्होंने बोला कि लाइसेंस राज इंडिया में अभी भी बहुत है। लाइसेंस राज मतलब देर आर स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉर प्रोक्योरिंग लाइसेंस टू डू अ बिजनेस, स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो बोल रहे हैं कि हम लोग बड़ी इंडस्ट्री लगाने का सोच रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है, लेकिन 3 साल हो गया लाइसेंस प्रोक्योर करते करते। अभी तक 40 लाइसेंस प्रोक्योर किए, अभी और 32 लाइसेंस बाकी। इतना स्लो प्रोसेस, और जब सब जगह घूस भी खिला रहे तो भी काम नहीं हो रहा। तो जो बातें मीडिया में आती है वो थोड़ा सा तो डेकोरेट होके आती है, बट है कहीं ना कहीं सच कि इंडिया में बिजनेस करना बड़ा लेवल पे इट्स टू डिफिकल्ट। आप घूस भी खिलाते जाइए तो भी काम नहीं करने देते लोग। तो मोदी जी हर जगह यही बोल रहे हैं कि हम लोग लाइसेंसेस नॉर्म को कम करेंगे। अब लाइसेंस में एक सबसे डेंजरस लाइसेंस होता है एनवायरमेंट लाइसेंस, पॉल्यूशन लाइसेंस, मतलब इसको प्रोक्योर करना तो एकदम जान निकल जाए। सारा लाइसेंस एक तरफ, एनवायरमेंट का लाइसेंस एक तरफ, ये लोग देना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप जहां बोलेंगे हम स्टेट में, स्टेट में काम करते तो पहले स्टेट का लाइसेंस, फिर सेंट्रल का लाइसेंस, फिर इंटरनेशनल लाइसेंस, और फिर पॉल्यूशन में वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सीवरेज पॉल्यूशन, इतना सारा झमेला है जिसके कारण लगता है कि यार ये बिजनेस करें ही नहीं। इसके लिए मोदी जी जा जा के सब जगह बोलने लगे, जापान में बोले और भी ऑस्ट्रेलिया में जाके बोले कि हम लोग इन्वायरमेंटल लॉज को हटा देंगे आपके लिए, आप आओ तो सही। तो जैसे ही वो बोल दिए, यहाँ पे मीडिया में छपने लगा, अरे बाप रे, ये क्या मेक इन इंडिया है क्या? देश में जो हम लोग जी रहे हैं, हम लोग को जीने का हक नहीं है, सांस कैसे लेंगे? इतना इंडस्ट्री ले आएंगे तो पॉल्यूशन में जियेंगे क्या? वही चाइना वाला लोग का हालत कि जब रास्ता में चलो तो मास्क पहन के घूमो, ऐसे कैसे चलेगा? बहुत सारा कंट्रोवर्सी चलने लगा। अचानक कुछ दिन बाद, मैं ईटी फॉलो करते रहता हूँ, ईटी इज समथिंग यू शुड ऑलवेज रीड, आई बिलीव सो। अगर आप नहीं पढ़ रहे, हेडलाइन नहीं पढ़ेंगे ना तो भी आप दुनिया वालों से काफी आगे रहे, नहीं पढ़ रहे तो आप पीछे ही। मैं मोबाइल आपका ईटी से कोई फायदा नहीं, ईटी घर में आना ही चाहिए। ईटी पढ़ रहा था तो अचानक देखते हैं आज का ईटी का खबर है एनवायरमेंटल लॉज के ऊपर, जिसमें लेटेस्ट एनवायरमेंटल लॉ बनाया गया है टोटली ऑन बैलेंस स्कोर कार्ड कॉन्सेप्ट, जिसमें स्कोर फाइनली इन लोग डिराइव करेंगे। एक तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अगर स्कोर जैसे उनका कैलकुलेशन था 10 तक दिया जाएगा, टोटल स्कोर अल्टीमेटली 10 पे आके खड़ा होगा, मैक्सिमम स्कोर 0 to 5 है तो आप ग्रीन इंडस्ट्री हैं, आपको कोई लाइसेंस का जरूरत नहीं है। अगर आपका स्कोर 0 to 5 में आ रहा है तो आप ग्रीन इंडस्ट्री, आपको कोई लाइसेंस का ही जरूरत नहीं है, मोदी जी का बात भी रह गया। 5 to 7 में आ रहे हैं तो आप, एक कलर दिया था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, आप ऑरेंज में हैं और आपको पहला लाइसेंस 3 साल का दिया जाएगा या 5 साल का दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने एक सिस्टम बनाया, 5 साल का दिया जाएगा, फिर 5 साल बाद रिन्यू कराइए। फिर आपका रेंज अगर 6 to 8 में आ रहा है तो आपको येलो में डाल दिया, येलो में डाल दिया तो पहला लाइसेंस 3 साल के लिए दिया जाएगा। फिर आप 9 10 में आ रहे हैं तो आपको 1 साल का लाइसेंस दिया जाएगा, हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा। कितना लॉजिकल है कि आप खाली इंडस्ट्री देखते ही आप बोल देंगे कि ये पॉल्यूशन फैलाता है, इसको लाइसेंस नहीं देना है, गलत है। इसको
इट शुड बी ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस एनालिसिस। हर एक पर्सपेक्टिव में हर एक पैरामीटर को लेके आप एनालाइज करिए। और आज आप देखते हैं आजकल कॉन्सेप्ट ग्रीन बिल्डिंग का, सुनते हैं चारों तरफ ग्रीन बिल्डिंग नहीं सुनते? सेक्टर 5 में अपने सॉल्ट लेक में बहुत सारे बिल्डिंग को डिक्लेयर किया गया ग्रीन बिल्डिंग। दोज आर बिल्डिंग्स विच डजेंट पोल्यूट द एनवायरमेंट, ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है। और बहुत सारे कमर्शियल रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी अभी बन रखे हैं कलकत्ता में भी, जो ग्रीन कॉम्प्लेक्स है। मतलब उस कॉम्प्लेक्स से कोई भी वेस्ट एनवायरनमेंट में नहीं जाता, सारे वेस्ट को रिसाइकल करके वापस इलेक्ट्रिसिटी बना लिया जाता है। वहां पर स्मोकिंग अलाउड नहीं होता, स्मोकिंग इज अ स्ट्रिक्ट ऑफेंस ओवर देयर। एंड वो सबको ग्रीन बिल्डिंग का जो रिवॉर्ड मिलता है वो सब ऐसे ही मिलता है, इसी तरीके से मिलता है। तो एक एनवायरमेंट में एप्लीकेशन दिख रहा है। चौथा एक और जगह, ये जो क्वालिटी का जो सर्टिफिकेशन आप देखते हैं, ISO सर्टिफिकेशन, हाँ बहुत जगह दिखता है, सर्विसेज में भी दिखता है, गुड्स में भी दिखता है, वो भी पूरा यही फंडा पे होता है। एंड देयर आर मेनी मेनी मोर, आई कैन नॉट जस्ट से ऑल ऑफ द नेम्स हियर, ऑल ऑफ द वेरी एप्लीकेशन हियर। मैं आपको क्या बोला, बैलेंस स्कोर कार्ड दुनिया में सबसे ज्यादा अप्लाई होता है अमंग ऑल द मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो इसका चार एप्लीकेशन तो मैंने आपको सामने सामने बताया, जिससे आप फटफट कनेक्ट हो सकते हो, तो ऑब्वियसली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है। ओके, मैं आपको भी एक चीज दिखाता हूँ, बैलेंस स्कोर कार्ड। रॉबर्ट कैपलन का एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें वो बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में बोल रहे हैं। थोड़ा इंग्लिश एक्सेंट है, ध्यान से सुनना होगा तब समझ में आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या पूछा जा रहा है। सब टाइटल उसमें दूसरा लैंग्वेज में है, इंग्लिश से अलावा के अलावा दूसरा लैंग्वेज में।
देखिए, थोड़ा तो एक्सेंट का समस्या है हम लोग को समझने में, लेकिन ओवरऑल आपने इनकी बातों को समझा होगा तो वही सब बातें जो मैं बताया, कस्टमर रिलेशनशिप, इनोवेशन एंड बिजनेस प्रोसेस, लर्निंग एंड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज, राइट आफ्टर आर्टिकल्स पब्लिश, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी शेल पेट्रोलियम, ब्रिटिश पेट्रोलियम हैज स्टार्टेड अप्रोचिंग अस टू हेल्प अबाउट ऑल दीज, ये सब बातें इन्होंने बताया। एंड इनका कहना यही था कि 1980s में फाइनेंशियल परस्पेक्टिव वाज नॉट इनफ टू क्रिएट फ्यूचर वैल्यू, सो वी डिसाइडेड टू ओरिएंट देम टुवर्ड्स दिस नॉन फाइनेंशियल पार्ट, जिससे कि आपका समाज में नाम और कंपनी का वैल्यू बढ़ सकता है। ठीक है, आप अगर एक चीज सोचें, ये स्टार्टअप जितने भी हो रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अभी आपने सुना होगा 2000 करोड़ का लॉस बुक किया, फिर भी इतना इनका नाम है, इतना इनका फंडिंग इनको मिलते रहता है, ये क्यों होता है? मतलब क्या चीज इग्नोर कर रहे हैं? फाइनेंशियल्स। ध्यान क्या चीज पे दे रहे हैं? ये तीन नॉन फाइनेंशियल्स, लोग जम के खर्चा कर रहे हैं नॉन फाइनेंशियल्स पर। और जितने भी इन्वेस्टर्स मीटिंग है ना, उसमें सिर्फ नॉन फाइनेंशियल्स को ही हाईलाइट किया जा रहा है। और जहाँ वो इन्वेस्टर पूछता है फाइनेंशियल्स का क्या, बोलता है सर नॉन फाइनेंशियल पे इतना काम कर रहे हैं तो फाइनेंशियल आ जाएगा। सभी समझते हैं हाँ फाइनेंशियल तो आ ही जाएगा, जब तुम्हारा नॉन फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग है फाइनेंशियल तो आएगा ही आएगा, चल और रुपया ले ले मेरे से। यही तो चल रहा है, उबर में भी इतना करोड़ों का लॉस, फिर भी उबर को फंडिंग मिला जा रहा है। रीजन इज व्हाट? दे आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स नॉन फाइनेंशियल। अभी मैं स्टार्टअप मीट एक अटेंड किया था IIM कोलकाता में, तो उधर भी बातचीत यही बोलते हैं। तो उधर लोग सवाल पूछते हैं कि इफ देयर इज लॉस इन अ कंपनी, व्हाई यू आर रेडी टू फंड? कुछ एंजल इन्वेस्टर्स का ग्रुप वहां पे बैठा हुआ था, तो वो लोग बोले कि वी आर नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स इमीडिएट फाइनेंशियल, व्हाट वी सी इन फंडिंग इज ऑलवेज व्हाट इनोवेशन यू आर डूइंग, हाउ यू आर रिटेनिंग योर एम्प्लॉयज एंड हाउ मच कस्टमर सेटिस्फेक्शन यू आर एबल टू गिव, आर योर कस्टमर्स रिटर्निंग आफ्टर यूजिंग योर प्रोडक्ट वंस, आर योर कस्टमर्स लॉयल टू यू? तो उन लोग चेक करते हैं, उनके पास एक स्टेटिस्टिक्स होता है जिसमें दिखाते हैं कि अगर पहला बार में प्रोडक्ट बेचा तो कितने कस्टमर आए और फिर वही कस्टमर रिटर्न कितना किए। आप देखिएगा फ्लिपकार्ट स्नैपडील में कभी आप साइन इन करते हैं ना, तो जैसे ही आप बिलिंग पे पहुंचते तो वो लोग पूछते हैं आर यू रिटर्निंग कस्टमर और अ न्यू कस्टमर। रिटर्निंग कस्टमर होते हैं तो बस यूजर आईडी पासवर्ड मांगते हैं, और न्यू कस्टमर होने से फिर से आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करा लेते हैं। होता है ऐसा कभी? ध्यान है तो वो रिटर्निंग कस्टमर उन इन्वेस्टर मीट को दिखाया जाता है, देखिए इतना कस्टमर तो रिटर्न हो के हमारे पास आता है क्योंकि हमारे में कोई बात है, नहीं तो कस्टमर एक बार आके चला जाता, धोखा क्यों खाता हो। ठीक है, तो द थिंग इज दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज टेकिंग अप, बैलेंस स्कोर कार्ड से ही दुनिया चल रहा है। मतलब देर आर सम कंपनीज जिन्होंने क्या किया ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो रिपोर्ट जाता है एनुअल रिपोर्ट, उसमें बैलेंस स्कोर कार्ड अटैच करना शुरू कर दिया, क्योंकि फाइनेंशियल तो नेगेटिव है। अब अगर हम खाली नेगेटिव वाला रिपोर्ट भेजेंगे शेयर होल्डर को, ये लोग तो शेयर बेच के निकल जाएंगे। तो इन लोग बैलेंस स्कोर कार्ड अटैच करने लग गए कि इस साल हमने अपना ये पर्सपेक्टिव पे ये KPI बनाया और इस KPI का इतना टारगेट था, इतना एक्चुअल हमने अचीव किया, हमारा ओवरऑल स्कोर यहाँ पे आके खड़ा होता है, फाइनेंस थोड़ा सा वीक है, स्ट्रांग है तो स्ट्रांग दिखा देंगे, जो भी केस है वो एक्चुअल में दिखा दिया जाएगा। बैलेंस स्कोर कार्ड एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बनाने लग गया है। ओके, तो
लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द मैट। आइए आप पेज 37 में, पेज 37 में देखें। आई हैव गिवन अ केस स्टडी ऑन हाउ एयर डेक्कन, नाम सुना ही होगा, बेचारा बंद हो गया अब तो, एयर डेक्कन ने किस तरह से बैलेंस स्कोर कार्ड की स्ट्रेटेजी से अपने आप को इंडिया का नंबर वन एयरलाइन साबित किया इन इट्स ओन सेगमेंट, लो कॉस्ट सेगमेंट। एयर डेक्कन ने किस तरीके से अपने आप को साबित किया, आप इसको जरूर पढ़ें। इट विल एक्चुअली हेल्प यू टू गेट गेन मोर इनसाइट अपॉन द कॉन्सेप्ट, जिससे आपको पता चलेगा कि रियल में कैसे इन लोग इसको लेके सोच रहे हैं। एंड इट्स ऑलवेज पॉसिबल कि ऐसा कुछ बन के अब एग्जाम में आ जाए। एग्जाम का क्वेश्चन अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, अब सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने लगे। तो केस स्टडी में इसी को लेके कोई केस स्टडी बना दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में देखिएगा, बैलेंस स्कोर कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली अप्लाइड, लास्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज में लास्ट पैराग्राफ 38 में, बैलेंस स्कोर कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली अप्लाइड इन अ नंबर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। इन इंडिया टाटा मोटर्स वॉज द फर्स्ट कंपनी टू विन BSE हॉल ऑफ फेम अवार्ड। ये बैलेंस स्कोर कार्ड का जो वेबसाइट है वो बेसिकली वेबसाइट नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूट अपने आप को क्लेम करता है, और हर साल हर कंट्री में जो बैलेंस स्कोर कार्ड को सक्सेसफुली अप्लाई करता है उसको अवार्ड मिलता है। तो टाटा मोटर्स वॉज द फर्स्ट। BSE अडॉप्शन रेट इज 45% इन कॉरपोरेट इंडिया, विच कंपेयर्स फेवरेबली विद 44% इन US एज पर NIM अहमदाबाद रिसर्च स्टडी। और ये सब डेटा मैं 3 साल पहले का लिया हुआ हूँ, करेंट स्टेटस में 70% जा चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ओके, बैलेंस स्कोर कार्ड में फिर नेक्स्ट पेज में देखिए, देर आर 4 पर्सपेक्टिव्स, कस्टमर, इंटरनल पर्सपेक्टिव यानी बिजनेस प्रोसेस एंड इनोवेशन, लर्निंग एंड ग्रोथ, एंड फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। और हर एक का KPI होगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर्मेट देख रहे हैं, फिर टारगेट होगा और फिर एक्चुअल इनिशिएटिव्स होगा। एंड टारगेट और एक्चुअल के बेस पे स्कोर बैठाया जा सकता है। स्कोर के बारे में सम्स हमारा नहीं है, स्कोर के बारे में हमारा सम्स नहीं है, बट स्कोर बढ़ाने का प्रथा चालू हो चुका है। ओके, हम लोगों को सम्स में अगर कुछ मिलेगा तो रुपीज वगैरह मिलेगा, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको एक बार इग्नोर करते हैं, बाद में पढ़ेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। क्वेश्चन नंबर 1, वहीं पे कर सकते हैं आप। इसमें करना क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स अंडर एप्रोप्रिएट कैटेगरीज इन अ बैलेंस स्कोर कार्ड। एप्रोप्रिएट कैटेगरीज में 4 कैटेगरी है, क्या क्या, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बिजनेस प्रोसेस एंड इनोवेशन, लर्निंग एंड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज, फाइनेंशियल्स। ये 4 में क्लासिफाई करना है कि ये सब किधर गिरेंगे। फॉर अ बैंकिंग कंपनी विच एक्सेल्स इन इट्स होम लोन प्रोडक्ट्स, मतलब आपको हमेशा बैलेंस स्कोर कार्ड का परस्पेक्टिव सोचने के लिए बिजनेस का नेचर पता होना चाहिए। तो इस बिजनेस का नेचर है बैंकिंग कंपनी। नाउ फर्स्ट थिंग, अ न्यू प्रोडक्ट रिलेटेड टू लाइफ इंश्योरेंस इज बीइंग कंसिडर्ड फॉर अ टाई अप विद सक्सेसफुल हाउसिंग लोन डिसबर्समेंट। एग्जाम्पल में एवरी हाउसिंग लोन एप्लीकेंट टू बी एडवाइज टू टेक अ लाइफ पॉलिसी और कंपेल टू टेक अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। व्हाट इज इट, इनोवेशन, लिख लीजिए इनोवेशन। ये जो कल्चर है ना, ये US कल्चर है। US में आपको एक चीज बता देते हैं, जैसे US में इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी इंडिविजुअल एज पर रेसिडेंशियल नॉर्म्स ऑफ US दैट दे मस्ट हैव इंश्योरेंस अगेंस्ट देयर लाइफ, देयर होम शुड बी इंश्योर्ड, देयर ऑफिस शुड बी इंश्योर्ड, मेडिकल इंश्योरेंस एंड अदर जो भी छोटे मोटे इंश्योरेंस हो सकते हैं, जो जनरली हम लोग का इंडियन गवर्नमेंट
एटीसी में हम लोग को डिडक्शन दे देता है, एटीडी में, एटीसी में, एटीई में, वो सारा यूएस में कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपका वो रेसिडेंशियल कार्ड जो वहाँ पे होता है, सोशल सिक्योरिटी कार्ड बोलते हैं उसको, जो जिसका रेप्लिका से हमारा इंडिया में भी आधार कार्ड चालू हुआ है, वो कार्ड का स्टेटस ही डीएक्टिवेटेड कर देगा। और वो इंश्योरेंस जैसे ही आप कहीं पे भी कराते हो ना, हर जगह वो नंबर आपको फर्निश करना होता है, तो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड चला जाता है। और वो कार्ड डीएक्टिवेट जहाँ हुआ, मतलब आप हैंडीकैप फील करोगे, गवर्नमेंट का कोई भी सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। वो कार्ड का इतना इम्पोर्टेंस है कि जैसे यूएस में सिस्टम पता है, 6 मंथ्स अगर आप जॉब कर रहे थे कहीं, अनदर 6 मंथ्स आपको जॉब नहीं मिला, तो जो 6 मंथ्स आप जॉब नहीं कर पाए, तो गवर्नमेंट आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देता है। पोस्ट रिटायरमेंट कोई बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है, आप एफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हॉस्पिटल में आपका इलाज हो जाएगा। चाइल्ड एजुकेशन के लिए आपके पास रुपया नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर देगा चाइल्ड एजुकेशन के लिए। तो गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। कुछ बेसिक इमरजेंसी दवाइयाँ तो वहाँ पे दवाई का एटीएम काउंटर है, कार्ड स्वैप करिए, दवाई सिलेक्ट करिए, निकल आएगा, डोंट हैव टू पे फॉर इट। पानी पीना है कहीं पर, पानी का एटीएम है, अभी कलकत्ता में भी खुला दो चार, पानी का एटीएम है, बट यहाँ तो पैसा लेगा, वहाँ पे कार्ड स्वैप करिए, कार्ड स्वैप करिए, पानी मिल जाए। एंड ये सब सुविधाएं गवर्नमेंट से दी गई है। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ पर तो इंश्योरेंस लेना ही पड़ता है। बैंक वालों को बोल दिया गया कि तुम बिना इंश्योरेंस के कोई होम लोन देना ही मत। अब उसी चीज को सुन के इंडियन बैंक्स भी यहाँ पे चालू कर दिए, अभी यहाँ पे भी लोन लीजिए, वो लोग बोलेगा लोन के साथ इंश्योरेंस लीजिए, नहीं तो लोन नहीं देगा। सच्चाई ये है कि लोन में मार्जिन कितना है, 8% 10% पर एनम, इंश्योरेंस प्रीमियम में मार्जिन है 30% पर एनम। उनका लालच ये है, वो आपको बताते नहीं। मेरे साथ भी हुआ, हम लोग भी ऑफिस का लोन लेने गए, बोलते इंश्योरेंस लेना होगा, मतलब नहीं लेगा, लोन कैंसिल कर दो जाओ। तो जबरदस्ती मेरे को इंश्योरेंस पॉलिसी 30 साल का दिला रहा था, जो 5 साल पे आके खत्म हुआ, इट वॉज पॉइंटलेस, कोई जरूरत ही नहीं थी। एंड उपाय नहीं है इसका, कोई उपाय नहीं। इन लोग, अब जब आप कोई गाड़ी लीजिए, गाड़ी के साथ एक इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस अलग, आपका इंश्योरेंस अलग, लेना ही पड़ेगा, आपको पता ही नहीं है, आपका प्रीमियम अमाउंट सैंक्शन से काट लिया है और आपके नाम वो चढ़ा दिया, पॉलिसी का डॉक्यूमेंट आपको पकड़ा देगा, आपको बताता भी नहीं कितना लोग। तो एनीवेज वो वहाँ पे भला के लिए करते हैं और यहाँ पे कमाने के लिए करते हैं हम लोग। एनीवेज ये नया चीज अगर आप सोचते हैं तो इनोवेशन नहीं है। दूसरा देखिए, हाउ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ हाउसिंग लोन्स विथ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स हैव बीन सैंक्शंड, देयर वॉल्यूम ऑफ ग्रोथ इन पास्ट 4 क्वार्टर्स। जब इसके बारे में सोच रहे तो किस परस्पेक्टिव में गिरेगा? हाउ डिफरेंट सेक्टर ऑफ हाउसिंग लोन्स विथ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स हैव बीन सैंक्शंड, देयर वॉल्यूम ऑफ ग्रोथ इन पास्ट 4 क्वार्टर्स। फाइनेंशियल नॉर्मली आंसर आता है, ग्रोथ वर्ड दिख जाता है ना, तो आप बोलते हैं लर्निंग एंड ग्रोथ, बट दैट इज कंसर्न विथ एम्प्लॉइज, ठीक है, दिस इज कंसर्न विथ फाइनेंशियल। वाई? बिकॉज अ बैंक, इट्स अ बैंक, एंड बैंक का इनकम क्या है? इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स आर इनकम फॉर बैंक, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल से कंसर्न है। देन हाउ मेनी डेज आर टेकन टू सर्विस अ लोन? सर्विसिंग अ लोन मीन्स एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके डिसबर्स करना। हाउ मेनी लोन्स हैव टेकन लॉन्गर? व्हाट एडिशनल लोन्स आर टू बी रिलीज सून? नहीं, दिस इज बिजनेस प्रोसेस, ये तो आपका बिजनेस का इनपुट से आउटपुट का बात हो रहा है ना। द कंपनी प्लान्स टू कैप्चर एडिशनल मार्केट शेयर। फाइनेंशियल्स, मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं, मतलब आप अपना बिजनेस बढ़ाने का सोच रहे हैं। इनोवेशन तो कुछ नहीं है इसमें, नया क्या किया आपने, प्रोडक्ट थोड़ी बनाया कुछ। मेंटेनिंग लो कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट सपोर्टेड बाय लो प्राइसेस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। लो कॉस्ट मेंटेन किया लो प्राइस के साथ, तो कस्टमर खुश रहेगा। कंपनी इंटेंड्स टू बिकम अ लो प्राइस लीडर,
कस्टमर सेटिस्फेक्शन बोल सकते हैं, लो प्राइस लीडर बनना चाह रहा है, देन एन इंटरनल स्ट्रेटेजी लिंक्ड विथ रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन टू एम्प्लॉइज, लर्निंग एंड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज, इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये तो हाइपोथेटिकल आ गया, इसको काट ही देना चाहिए। ठीक है, अभी लिख दीजिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मेंटेन कंसिस्टेंट लोन डिसबर्समेंट। कंसिस्टेंट लोन डिसबर्समेंट मतलब समझे, मतलब ऐसा नहीं हो कि आप लोन का फाइल को रिजेक्ट करते चले जा रहे हैं, लोन डिसबर्समेंट में कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। बिजनेस प्रोसेस बोल सकते हैं, तो अंदर की बात है कंसिस्टेंसी, कस्टमर क्या चाहेगा इसमें कुछ नहीं कर सकता, कस्टमर के खुश रहने से क्या होगा, क्योंकि हर कस्टमर, एक कस्टमर बार बार लोन थोड़ी लेने आता है, तो कंसिस्टेंसी इन लोन डिसबर्समेंट में कस्टमर इंडिविजुअली थोड़ी सेटिस्फाई हो रहा है, ये बिजनेस प्रोसेस। प्रमोट एंटरप्रेन्योरियल कल्चर, लर्निंग एंड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज, ये क्या कॉन्सेप्ट है, एंटरप्रेन्योरियल कल्चर का कॉन्सेप्ट क्या है, कि एम्प्लॉय को ये बोलना है कि तुम ही इसके मालिक हो, खुद डिसीजन लो, खुद एक्शन लो, किसी का इंतजार मत करो, ये हुआ एंटरप्रेन्योरियल कल्चर। यू टेक द रिस्क, यू टेक द डिसीजन, यू एग्जीक्यूट। ओके, इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज टू सर्विस द लोन, लर्निंग एंड ग्रोथ, एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज इम्प्रूव करने की बात हो रही है तो लर्निंग एंड ग्रोथ। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, मैं 2 साल पहले ही उनसे मिला, ये ISB हैदराबाद के HR मैनेजर से। ISB हैदराबाद नाम सुने, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। ICFI हैदराबाद सुने, ICFI हैदराबाद MBA के लिए बहुत लोग जाते हैं, इसमें यूजुअली इसमें रुपया का खेल है, जिसका कैट स्कोर ऑप्टिमम नहीं आता है, अच्छा नहीं आता, बट एवरेज आता है, मतलब जैसे 70 to 85 परसेंटाइल्स के अंदर आता है, तो उनका प्रीमियम जगह तो होगा नहीं, प्रीमियम जगह तो 90% के ऊपर ही लेगा, तो वो जो 80-90 वाले या 75-85 वाले जो हैं, ये जाते हैं क्या तो IIPM दिल्ली या फिर ICFI हैदराबाद, दोनों में भर के सीट है, 1200-1200 सीट है, 15-15 लाख रुपए का खेल है, पैसा का अफोर्डेबिलिटी है तो चले ही जाते हैं। तो MBA वालों के साथ आपने ये देखा होगा कि जब ये लोग प्राइवेट में इंस्टीट्यूट प्रमोट करते हैं, तो ये लोग प्रमोशन के लिए क्या पढ़ाते हैं, क्या करिकुलम है, वो सब तो बोलते ही नहीं है, सब बोलते बस इतना का जॉब लगा, इतना लोग प्लेस कर दिया, इतना प्रीमियम कंपनी आता है, खाली एक ही चीज पे मार्केटिंग करते हैं। और अभी हाल फिलहाल में अपने को सबको को खबर है कि जॉब का मार्केट बहुत खराब है। ठीक है, तो 2 साल पहले जब उनसे मिला, तो मैं उनसे पूछा कि आप HR मैनेजर हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती होगी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करने की, इंस्टीट्यूट को भरने की, मार्केटिंग का जिम्मेदारी आपके ऊपर भी आता होगा। प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है ना, कि हर मैनेजर पे मार्केटिंग का जिम्मेदारी बाई डिफॉल्ट है, हर मैनेजर पे, चाहे आप कोई भी काम करते हो, मार्केटिंग आपको करना ही होगा। ऐसे प्राइवेट बैंक में भी है, जितना एम्प्लॉइज है सबको अकाउंट खुलवा के तो देना ही है, 10 कस्टमर अपना साल में लाना ही है, नहीं लाया तो नौकरी से निकाल दे, नहीं तो बोनस नहीं देगा। ये हर आदमी बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, वो बोलेगा हम तो कैशियर है, बोलने से नहीं होगा, तुमको अकाउंट तो खुलवाना होगा 10 कस्टमर को पकड़ के, बैंकों में सिस्टम है वैसे ही, ये MBA स्कूल में भी वहां पे सिस्टम, काम है HR का एम्प्लॉय को रखना, एम्प्लॉय को संभालना, टीचर्स को संभालना, बट स्टूडेंट लाने का जिम्मेदारी उनके ऊपर भी। तो मैं उनसे पूछा कि अभी तो बाजार इतना खराब चल रहा है, तो आप लोग क्या प्रमोट कर रहे हैं, प्लेसमेंट कैसे प्रमोट कर रहे हैं, आप लोग का मार्केटिंग का एजेंडा क्या चल रहा है। अब MBA वाला लोग से ना हम लोग CA वाला लोग सख्त नहीं सकता है, MBA का फुल फॉर्म मैं मानता हूँ मुझे बहुत आता है, अब ये लोग जब कुछ भी बोलेगा ना तो आपको प्रूव करा देगा कि उसी को सब कुछ आता है, हम लोग को कुछ नहीं आता है, और हम लोग को सच में एक बार एहसास होता है हाँ यार हम लोगों को तो आता ही नहीं। तो मैं पूछा आप क्या प्रमोट कर रहे हैं, आप लोग का तो मेन एजेंडा यही है,
सीए में तो फिर भी हम लोग दिखाते हैं कि आप इतना सारा वर्सेटिलिटी, नॉलेज वॉलेज गेन करोगे तो कभी भी कुछ भी काम कर लोगे जिंदगी में। एमबीए वाला लोग को क्या बोलोगे? बोला नहीं सर, हम लोग एक चीज चालू किया, हम लोग को अभी बाजार खराब है तो दिख ही रहा है, तो अफेक्ट तो आया ही है बट ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? बोले हम लोग जैसे 2 साल का प्रोग्राम में लास्ट सेमेस्टर में प्लेसमेंट देना शुरू कर देते हैं, सेकेंड लास्ट सेमेस्टर में करिकुलम थोड़ा चेंज कर दिया, उसमें एक पेपर डाला एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें क्लास में लेक्चरर जाके समझाता है कि नौकरी नहीं करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। तो बाय द टाइम वो सेमेस्टर कंप्लीट होता है तो 50% लोग बोलते हैं हम लोग अपना बिजनेस ही करेगा। तो हम लोग का लोड खत्म हो जाता है, जितना लोग बैठता है उस पर हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करता है, 100% दिखा देता है, मतलब प्लेसमेंट आधा हो गया है, लेकिन परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट, नंबर ऑफ कैंडिडेट सिटिंग एंड एलोकेटेड 100% निकल जाता है। भैया तुम लोग के सामने हम लोग को कुछ नहीं आता है, दिमाग देखिए कितना दूर तक सोचा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। ये डेमोन्स्ट्रेशन क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ था। एग्जाम में ये जब आया था तो पहला 3 पॉइंट को लेके आया था, 4 मार्क के लिए पूछा था, 3 पॉइंट को, ए बी सी को लेके मैंने डी ई एफ जी वगैरह वगैरह जोड़ दिया जिससे आपका दिमाग चले। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में, ये लास्ट टर्म में आया, लेटेस्ट टर्म में आया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी करना क्या है, वही काम। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड आइडेंटिफाई द पर्सपेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। बस इसमें क्या किया है कि अलग अलग कंपनी के हिसाब से आपको बताना है, जैसे ऊपर में सारे बैंकिंग कंपनी के हिसाब से थे, इधर पहला केस है कुरियर कंपनी है जिसने सोचा है 100% ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ प्रायोरिटी डिस्पैचेस। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, देखिए कहीं कभी कभी कंफ्यूजन होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी लगेगा तो कभी किसी को बिजनेस प्रोसेस भी लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 100% ऑन टाइम डिलीवरी कस्टमर सेटिस्फेक्शन में डाल रहे हैं। देन एक ट्यूशन सेंटर है जिस पर हम भी काम कर रहे हैं, यही वाला सेटअप क्लास ऑन इंटरनेट फैसिलिटी फॉर बेटर रीच ऑफ मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड एबसेंटीज, इनोवेशन, एकदम हमारा जोर शोर से काम चल रहा है इसके ऊपर। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप सर्विस सेंटर्स इन ऑल मेजर सिटीज फॉर आफ्टर सेल सपोर्ट। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सर्विस सेंटर तो आफ्टर सेल्स से रिलेटेड हुआ तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन। गवर्नमेंट टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, इंश्योर कंप्यूटर ट्रेनिंग टू ऑल ऑफिसर्स अबव अ सर्टेन रैंक टू इंप्रूव देयर कैपेबिलिटीज लर्निंग एंड ग्रोथ। फर्स्ट वाला डाउटफुल है, आप दोनों लिख के रखे, बिजनेस प्रोसेस भी हो सकता है। अब इसका कोई उपाय नहीं है, देखिए एक रिस्क होता है एग्जाम में, एग्जामिनर तो जो उसके पास आंसर आया वो उससे देख के टिक मारेगा, दो दो लिखोगे तो काट भी सकता है, जिस जो उसका इच्छा वो चेक करेगा, ठीक है। और बच्चा लोग क्या करता है ना, ये सब पढ़ के नहीं जाता है कि एज अ चैप्टर उसको, उसने कभी इसको लिया ही नहीं, वो छोड़ा छोड़ दिया, बैलेंस स्कोर कार्ड होगा कुछ करके जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो लोग कॉपी भरे जा रहे हैं, आंसर स्क्रिप्ट भरे जा रहे हैं, आप देख के कभी डरिएगा मत एग्जाम हॉल में, उनका टीचर उनको सिखाया हुआ है कि बेटा कुछ नहीं समझ में आए 3 बार क्वेश्चन पेपर कॉपी कर देना। ये बहुत खतरनाक रूप से चलता है कॉस्ट पेपर में, और कॉस्ट पेपर आता भी थोड़ा बल्कि है, सीएमए में तो बहुत हल्का सा आता है, सीएमए तो वो लोग देखते 20 पेज का क्वेश्चन पेपर आया उसी को 3 बार नोट करेंगे तो 60 पेज हो जाएगा, लू शीट पे लू शीट मांगते जाएगा, आपको कॉम्प्लेक्स देते जाएगा। इसीलिए एग्जाम में आजकल कैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में देखो, कैंडिडेट्स नीड टू ओनली राइट द फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम इन आंसर बुक, आजकल लिखना पड़ता है ऐसा, नहीं तो ये बेटा पूरा कॉपी करेगा, इसी में आधा घंटा लगा देगा और इसको भी 3 बार करेगा, मतलब जो आता था वही करते गए। क्वेश्चन 5 में आ जाइए, क्वेश्चन
एबीसी लिमिटेड हैज सुपर मार्केट्स लोकेटेड इन मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स प्रॉफिट्स हैव फॉलन। एबीसी लिमिटेड हैज रिकॉग्नाइज दैट कस्टमर केयर हैज बीन पेड इनसफिशियंट अटेंशन। एबीसी हैज नाउ रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस एट इट्स सुपर मार्केट्स। कस्टमर एक्सपीरियंस जो है ना, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, आपको पता है। अभी हम लोग जो पढ़ते हैं, मुझे तकलीफ खाली यही होता है कि मैं टाइम निकाल के ना पढ़ाई को रियल लाइफ से एसोसिएट कर पाता हूँ। मुझे हर बार तकलीफ यही रहता है कि यार जो पढ़ते हैं वो एग्जैक्टली तो होता ही नहीं, जो होता है वो पढ़ाते नहीं। एमबीए वाले लोग का करिकुलम इससे कंपैरेटिव में बहुत अच्छा होता है कि एटलीस्ट जो होता है वही पढ़ाते हैं। ये पुराना ट्रेडिशनल चीज वो लोग नहीं लेते, और हम लोगों का में ये वेरिएशन नहीं है। अभी नया सिलेबस में भी कोई उम्मीद नहीं है कि आपका कुछ लेटेस्ट जो चल रहा है वो सब आएगा। कस्टमर एक्सपीरियंस का सिमिलर वर्ड्स होता है इंटरनेट जमाने में वेबसाइट को लेके, यूजर एक्सपीरियंस। जैसे अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है, जैसे मैं बोला ना ट्यूशन का, हम लोग उसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, तो एक और एक्सपीरियंस होता है लर्नर एक्सपीरियंस। और ये सबको लोग बात करते हैं अलग अलग भाषा में, तो लोग बोलेंगे CX, UX, LX। समझ में नहीं आता है UX क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस को बोलते हैं। कोई भी स्टोर बनता है, कोई भी कैफे बनता है, कोई भी बड़ा कोई मान लीजिए कोई ब्रांड स्टोर बना, तो जो इंटीरियर वाले हैं वो ऐसे ही रैंडमली कोई भी चीज को प्लेस नहीं करते हैं। वो लोग एक सिमुलेशन क्रिएट कर दे, दिमाग में एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं कि एक कस्टमर आया तो उसको सबसे पहले क्या दिखना चाहिए घुसते ही, और फिर वो जनरली लेफ्ट घूमता है कि राइट घूमता है, उसके हिसाब से राइट में क्या होगा लेफ्ट में क्या होगा। पहला चीज उसको अच्छा दिखाना है, दूसरा चीज उसको एवरेज दिखाना है, तीसरा चीज वर्स्ट दिखाएगा तो भी चलेगा, जो हमारा प्रीमियम चीज है उसको यहाँ पे प्लेस करना। बहुत सारा कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से कस्टमर एक्सपीरियंस है। इट्स नॉट लाइक कि कोई भी चीज उठा के किधर भी प्लेस कर दिया। ओके तो जब आप कोई सुपरमार्केट, कोई ब्रांड स्टोर, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर, कोई कैफे चला रहे हो, तो यू विल हैव टू डू योर इंटीरियर बेस्ड ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस और उसे विजुअलाइजेशन ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस के हिसाब से। ओके तो कस्टमर एक्सपीरियंस इज अ बिग स्टफ, इट्स नॉट जस्ट दिस वन वर्ड थिंग, बहुत बड़ा इसके पीछे साइंस है। चलिए आगे देखिए, इन लोगों ने अभी एहसास किया कस्टमर एक्सपीरियंस सही नहीं चल रहा है बोल के। एबीसी लिमिटेड हैज इंट्रोड्यूस्ड अ लॉयल्टी कार्ड स्कीम दैट रिवॉर्ड्स कस्टमर्स विद डिस्काउंट वाउचर्स बेस्ड ऑन देयर स्पेंड एंड बाइंग पैटर्न्स एट सुपरमार्केट्स इन एन अटेम्प्ट टू अर्न द लॉयल्टी ऑफ इट्स कस्टमर्स, रिटर्निंग कस्टमर लाने के लिए। होता ही है ना सब जगह, अपने पास शॉपर स्टॉप का कार्ड होगा, पेंडलून का कार्ड है, वही चीज इन लोगों शुरू कर रहे हैं। द मैनेजमेंट ऑफ एबीसी इज कंसिडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच टू मैनेज द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स स्टोर्स। रिक्वायर्ड इज रिकमेंड एन ऑब्जेक्टिव एंड अ सूटेबल परफॉर्मेंस मेजर, ऑब्जेक्टिव एंड सूटेबल परफॉर्मेंस मेजर यानी KPI बताना है फॉर ईच ऑफ थ्री नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव्स ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव्स में बताना है दैट एबीसी कुड यूज टू सपोर्ट इट्स न्यू स्ट्रेटेजी ऑफ इम्प्रूविंग द कस्टमर एक्सपीरियंस। यू शुड स्टेट थ्री पर्सपेक्टिव, एन ऑब्जेक्टिव एंड अ परफॉर्मेंस मेजर फॉर ईच वन ऑफ थ्री पर्सपेक्टिव। क्या क्या बताना है? ऑब्जेक्टिव बताना, नहीं पर्सपेक्टिव बताना है उसका, ऑब्जेक्टिव बताना है एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर बताना है, परफॉर्मेंस मेजर। नॉन फाइनेंशियल्स में नंबर वन इनोवेशन एंड बिजनेस प्रोसेस।
ये ऑब्जेक्टिव एक नया चीज डाल दिया गया है। ऑब्जेक्टिव में बेसिकली आपको बताना है कि इससे क्या फायदा होगा, वो बाद में फ्रेम करेंगे। पहले आप परफॉर्मेंस मेजर तो बताइए, कोई एक तो, एक सुपरमार्केट के लिए इनोवेशन या बिजनेस प्रोसेस में परफॉर्मेंस मेजर क्या हो सकता है? हाँ, इजी था, ऑनलाइन स्टोर। चलिए ठीक है, इनोवेशन है एकदम, ऑनलाइन स्टोर। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसा करने से क्या होगा? इंक्रीज ऑफ कस्टमर बेस। समझ में आ रहा है? बस एक ही लिख रहे हैं, एक मांगा एक ही लिखो, दूसरा तीसरा लिखने से कंफ्यूजन होगा। दूसरा, लर्निंग एंड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज। इसमें क्या सोच रहे हैं आप? ये आपको दिमाग से निकालना होगा। आप सोचेंगे यहाँ से उठा के पुट करें, वो नहीं पॉसिबल है। आपको सोचना होगा सुपरमार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। थोड़ा और अच्छा बोलो, बहुत सारा ऑप्शन है। चलिए ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स, बेसिकली एटिकेट्स, बिहेवियर, कैसे अटेंड करना है कस्टमर्स को, उसका ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग। क्या होगा उससे? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मे बी आप ऐसे भी बोल सकते हैं, रिटर्निंग कस्टमर्स ज्यादा हो जाएंगे। अगर एक कस्टमर को अच्छा सॉफ्ट स्किल वाला सेल्समैन मिलता है, तो वो अगली बार आने का भी मूड बनाएगा, लॉयल्टी बढ़ सकता है। तीसरा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसमें एक तो बोलो। डिस्काउंट, रिवॉर्ड कस्टमर को क्या देंगे? रिवॉर्ड इम्प्लॉय के कॉन्टेक्स्ट में चला जाता है, तो डिस्काउंट या ऑफर वर्ड यूज करिए। रिवॉर्ड वर्ड से एक्चुअली रिलेट होता है लर्निंग एंड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, डिस्काउंट्स। और यहाँ पे इससे फायदा क्या होगा? इंक्रीज इन सेल्स। अब देखिए, ये जो आंसर है, आप इंस्टीट्यूट मैट से मिलाने जाएंगे तो शायद उसमें कुछ और मिले, बट यू हैव टू जस्ट चेक कि उन्होंने जो लिखा वो कन्विंसिंग है कि नहीं, और आपने जो लिखा वो कन्विंसिंग है कि नहीं। अब ऐसा थ्योरी आने लगा एग्जाम में, देखिए अगर देखे तो बहुत इजी है, बट इस सब में प्रॉब्लम है मार्किंग का। कि कैसे मार्किंग होगा ये आप नहीं जानते। अगर प्लेन सिंपल थ्योरी क्वेश्चन आता है तो कहानी लिखो, मार्क्स मिलेगा, लेकिन इसमें कैसे मार्क्स आएगा मालूम नहीं। एग्जामिनर बुद्धिमान मिलेगा कि बेवकूफ मिलेगा मालूम नहीं, ये सबसे बड़ा टेंशन है। ओके ठीक है, दिस इज ओवर। मतलब आप भी बैलेंस स्कोर कार्ड बनाना सीख गए हैं, कंसल्टेंसी दे रहे हैं आप, ये सुपरमार्केट का बैलेंस स्कोर कार्ड बना दिया आप। अभी थोड़ा देर और टाइम दिया जाता तो एक एक में चार चार भी निकाल लेते हैं, नहीं क्या? अभी आइए, एक रिजॉर्ट है उसके लिए कंसल्टेंसी करिए। सीएमए वाले बच्चों के लिए ये बैलेंस स्कोर कार्ड का कॉन्सेप्ट पेपर 15 का पार्ट ए में भी आता है, जो थ्योरी पार्ट है। पेपर 17 में भी आता है, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वाला जो पेपर है उसमें भी आता है। 6 नंबर, हार्ड रॉक कोकोनट इज एन एक्सक्लूसिव रिजॉर्ट लोकेटेड इन फेमस आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशन।
दैट वाउज टू आइसोलेट इट्स गेस्ट फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ एवरीडे लाइफ। कसम खा रखा है कि गेस्ट को हो दुनिया के झूठ झमेले से आइसोलेट कर देंगे। इट्स लीडिंग प्रिंसिपल इज ऑल कंटेम्पररी एमिनिटी रैप्ड इन ओल्ड वर्ल्ड कैरिज्मा। मतलब जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो सब रैप करके नेचर के नीचे ले आएंगे। ओल्ड वर्ल्ड, पुराने जमाने के चमत्कारी एनवायरनमेंट में। ईच ऑफ द रिजॉर्ट्स 18 विलास हैज अ सेपरेट थीम लाइक कैसल, मैजेस्टिक, एम्बेसडर, रॉयल शटेव, कोकोनट, लेमन, बेलिनीज एक्सेट्रा। एंड गेस्ट ऑफन आस्क फॉर अ स्पेसिफिक विला व्हेन दे मेक रिजर्वेशन। Villas are ideal for families or friends traveling together, and these villas feature luxurious accommodation spanning two floors. Since it is located within a 300-acre estate on white sand beach, the resort offers its guests a wide variety of outdoor activities such as horseback riding, हाइकिंग मतलब पहाड़ पे चढ़ना, डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, सेलिंग, गोल्फ एंड सो ऑन। स्नॉर्कलिंग क्या होता है पता है क्या? अंडमान में जो सब जगह ही करते हैं क्या स्नॉर्कलिंग इज, आपको जैसे एक सर्फ बोर्ड पे लेटाएगा, मास्क दे देगा ऑक्सीजन मास्क, और आप बस बॉडी आपका पानी के ऊपर है, मुंह अंदर डाल के नीचे देखते रहिए समुद्र के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज है। एंड उस सर्फ बोर्ड को एक जो स्कूटर होता है उससे वो लोग टांगते रहते हैं, स्पीड बोर्ड से टांगते रहते हैं। बट सबसे ज्यादा दुखदाई चीज क्या होता है, थोड़ा दूर के बाद ले जाके उल्टा देंगे। लाइफ जैकेट देता है लेकिन उल्टाने का सिस्टम जो है वो सबसे गंदा होता है उस समय। तो मतलब अगर आप स्विमर नहीं हो तो एक बार तो लगता है कि आज गया। बहुत सोच समझ के करना ये सब, क्या जब भी करना पूरा ठीक से समझ लेना वाटर स्पोर्ट्स फिर करना। ये मैं तो विक्टिम रह चुका हूँ, मुझे लगा उस दिन तो मैं गया ऐसा। मतलब वहां पर बोलने लगे कि बस सारे पाप आपको धो दीजिएगा, घर वालों को संभाल लीजिएगा। तब अचानक से देखा कि दो आदमी आगे उठा लिया, उठा लिया तो वो मैं इनएक्टिव हो गए, ऐसे ही गए, फिर वो उतार के नीचे गिरा दिया, फिर उठ के गए। एनीवेज, गेस्ट कुड आल्सो व्हाइल अवे द डे रिलैक्स इन द पूल एंड अवेल देमसेल्व्स ऑफ द रिजॉर्ट्स वर्ल्ड फेमस स्पा हार्ड कोको स्पा। द डाइनिंग रूम विच ओनली हैज 3 टेबल्स फॉर द पब्लिक इज एक्सेप्टेबल प्राउड ऑफ इट्स 4-स्टार रेटिंग। कि 3 टेबल फॉर द पब्लिक का मतलब ये हुआ जैसे जो होटल में गेस्ट हैं उसके अलावा सिर्फ 3 टेबल पे ही जो बाहर से आए हैं जो होटल में नहीं रहते उनके लिए 3 ही टेबल है। तो एक तरह से ये जो रहने आते हैं उनके लिए तो फायदा का चीज़ है कि उनके लिए रिजर्वेशन हमेशा रहेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप अ बैलेंस स्कोर कार्ड फॉर हार्ड रॉक कोकोनट। इट इज सफिशियंट टू गिव 2 मेजर इन ईच ऑफ द 4 पर्सपेक्टिव्स। एक बहुत सुंदर सा दुनिया बनाया है यहाँ पे, अब उसको ध्यान में रखते हुए आपको बैलेंस स्कोर कार्ड डिराइव करना है। ऐसा लगा कि हम लोग सब रिजॉर्ट चले ही गए एक बार में। हेडिंग दे दीजिए बैलेंस स्कोर कार्ड ऑफ हार्ड रॉक कोकोनट। कैटेगरी ऑब्जेक्टिव नहीं दे देंगे यहाँ पे, कैटेगरी यानी पर्सपेक्टिव्स आ गया और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ही दे देंगे बस, केपीआई। टारगेट दे सकते हैं तो नया चीज जो पहले नहीं दिया था।
अब एक चीज ध्यान रखना, जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो इट्स नॉट दैट कि आपको क्वेश्चन से ही सारा बस खोज खोज के पुट करना है। यू माइट गिव न्यू थिंग विच इज नॉट इन क्वेश्चन बट इट इज वैलिड फॉर अ रिजॉल्ट। ओके, तो इनोवेशन एंड बिजनेस प्रोसेस में व्हाट डू यू से, एग्जिस्टिंग से कुछ ले सकते हैं क्या? थीम, विला थीम्स, चलिए ठीक है, विला थीम्स। तो टारगेट में क्या लिखो, ऑलरेडी है तो और भी बनाया जा सकता है ना। 18 विलाज बोल रहा है, 18 विलाज में 18 थीम है, तो थीम में आप बोल सकते हैं ना, विला थीम्स को रिफर्बिश करो, मतलब पूरा बदलो, ये अट्रैक्ट करता है तो इसको और इम्प्रोवाइज करो। तो इसमें टारगेट में बोल सकते हो तुम 10 थीम्स, 10 विलाज टू बी रिफर्बिश, ऐसा कुछ भी हाइपोथेटिकल फिगर लिखा जा रहा है। और एक बोलिए, बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड बोलिए। और कुछ अच्छा बोले, न्यू एक्टिविटीज में नहीं डालूंगा चाहूंगा, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन में चला जाएगा ना। बिजनेस प्रोसेस मतलब समझो कि एक आदमी आया, बुकिंग किया, उसको रूम मिला, फिर वो रहा, तब तक वो लोग होटल वाले क्या क्या किए और फिर चला गया। उसको ये नहीं लगे कि इन लोगों को होटल चलाना नहीं आता है, एक कस्टमर को ऐसा फील हो कि यार ये लोग होटल चलाना जानते हैं। तो कोई ऐसा पॉइंट जो बिजनेस प्रोसेस को इम्प्रूव करने का बातचीत बताए, सोचो। फोर स्टार रेटिंग अभी है तो व्हाई नॉट 5 स्टार? 5 स्टार तो खाली कस्टमर सेटिस्फेक्शन से तो नहीं मिलता है, तो बिजनेस प्रोसेस से मिलता है। वेरी गुड, बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स टू कन्वर्ट 4 स्टार रेटिंग टू 5 स्टार। इसमें टारगेट यही है कि 5 स्टार्स आपको अचीव करना है इन द कमिंग ईयर। दूसरा पर्सपेक्टिव में चलते हैं, लर्निंग एंड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें क्या लिखोगे? मल्टी लैंग्वेज ट्रेनिंग, एक पैसिफिक आइलैंड पर ये रिजॉर्ट है, ऑब्वियसली दुनिया भर से लोग आएंगे, तो इफ यू हैव एम्प्लॉइज टॉकिंग इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, पीपल फील मोर कंफर्टेबल, गेस्ट फील मोर कंफर्टेबल। मल्टी लैंग्वेज ट्रेनिंग, ओके, तो इट कैन बी से, टारगेट कैन बी 4 लैंग्वेजेस पर एम्प्लॉय, समथिंग लाइक दिस। तो और क्या हो सकता है? रिवॉर्ड सिस्टम लिंक्ड टू कस्टमर्स फीडबैक। रिजॉर्ट में ना एक कल्चर होता है, ये आप कभी जाएंगे तो नोटिस करें करिएगा, कि आप अपने कस्टमर्स को, सॉरी, आप अपने एम्प्लॉयज को तभी प्रमोट करते हैं जब किसी स्पेसिफिक कस्टमर ने उस एम्प्लॉय के लिए अच्छा फीडबैक दिया।
वहाँ पे फीडबैक का बहुत कल्चर होता है। हमने भी एक रिजॉर्ट में एक बार गए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा एक एम्प्लॉय का बिहेवियर, तो तुरंत फीडबैक फॉर्म लेके आ गया, सर प्लीज डू राइट अबाउट मी। तो तुरंत लेके आना इज अ थिंग कि जरूर इससे कुछ इसको फायदा मिलता है, नहीं तो कौन ध्यान देता है। ओके, द रिवॉर्ड सिस्टम लिंक टू कस्टमर्स फीडबैक, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। एंड इसमें ये क्या बोलेंगे, टारगेट कैसे अचीव कराएंगे। इसमें जैसे डेट डाला जा सकता है, इम्प्लीमेंटेशन डेट और काउंट ऑफ फीडबैक्स फॉर द परसेंटेज ऑफ रिवॉर्ड, ऐसा डाला जा सकता है। सेफ 2% टारगेट या 2% ऑफ बोनस ऑन एवरी 10 फीडबैक, ऐसा करके कुछ डाल दिया। और इसका टारगेट में ऐसा भी बोल सकते हैं कि बैड फीडबैक्स जो आते हैं ना उसका रिडक्शन करना है, रिडक्शन बाई 30%, ऐसा बोल सकते हैं। ये भी टारगेट सही है, जो खराब फीडबैक है उसको रिड्यूस कर देंगे इससे 30%। तीन नंबर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इसमें कंटेम्पररी एमिनिटीज जो बोला था ना, उसके बारे में बोल सकते हैं आप, उसको इंक्रीज करो। अब इसमें आउटडोर इंडोर सब बढ़ा सकते हैं, अभी आउटडोर के बारे में बोला, इंडोर में खाली स्पा बोला। तो यू मे थिंक ऑफ इंक्रीजिंग या ब्रिंगिंग इन अनदर 5-10 इंडोर एक्टिविटीज। ओके, 5 इंडोर एक्टिविटीज टू बी इंट्रोड्यूस्ड। और क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो सकता है? कॉम्बो पैकेजेस, हॉलिडे पैकेजेस, क्योंकि सब फ्रेंड फैमिली के साथ ही आ रहे हैं, तो उसमें सारे पैकेज में आप डिस्काउंट डिस्काउंट दे दिए, सब कुछ इंक्लूसिव है उसमें। नंबर ऑफ एमिनिटीज इंक्लूडेड इन पैकेजेस, तो ध्यान रखना ये लिखते समय डिस्काउंट यानी मॉनेटरी बेनिफिट का बात मत कर देना, कि मॉनेटरी में चले गए तो फाइनेंशियल्स हो गए। कॉम्बो पैकेज बोल रहे तो आपको कस्टमर फायदा के बारे में बताना होगा कि कितना सारा चीज इसमें इंक्लूडेड है। देर कैन बी मेनी मोर, से पिकअप एंड ड्रॉप, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में तो बहुत पॉइंट मिलेंगे, पिकअप एंड ड्रॉप बोल सकते हैं, या बिजनेस पर्सपेक्टिव में भी आ सकता है। और भी बहुत सारा पॉइंट मैं दो दो पे रोक रहा हूँ, से चेक इन टाइम को मेंटेन करना, हाइजीन क्लीनलीनेस को मेंटेन करना। होटल में सबसे पहले इंसान क्या देखता है, साफ सफाई है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग रह रह के जाते हैं, गंदगी रह जाने से लगता है बेकार होटल में रह गए। तो क्लीनलीनेस कितना आप अचीव कर रहे हैं, दैट इज इनोवेशन। वो एक्चुअली 4 स्टार टू 5 स्टार में जब अपने आ गए ना, ये पॉइंट लिखने से बहुत सारे ऐसे चीज बाई डिफॉल्ट कवर हो जाते हैं, क्लीनलीनेस वाला, चेक इन टाइम को मेंटेन करने वाला बात। अच्छा, फोर्थ और एक फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल्स में क्या लिखोगे? हाँ, रूम ऑक्यूपेंसी डेज, याद है क्या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में सब पढ़ते थे, रूम डेज मतलब आप कितना ऑक्यूपाइड रहते हो ओवर
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑक्यूपेंसी ज्यादा रहेगी तो अपने आप फाइनेंशियल सुधरेंगे। तो रूम ऑक्यूपेंसी डेज के लिए लिख लेना रिडक्शन ऑफ वेकेंट रूम डेज टू जीरो परसेंट। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा फाइनेंशियल, होटल का फाइनेंशियल खाली वॉल्यूम ही होगा क्या? ट्रेंड इन ग्रोथ ऑफ मार्जिन्स फ्रॉम ईच सेक्टर। सेक्टर मतलब क्या हो गया? जैसे कमाने का रास्ता खाली रूम डेज थोड़ी है, रेस्टोरेंट भी है, एमिनिटीज भी है, स्पा भी है, तो सब जगह से ही चार्जेस लिया जाता होगा। तो उसमें ग्रोथ ऑफ मार्जिन्स क्या है? मतलब इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ, मतलब एक देने के लिए दूसरा फ्री कर दो, तो वो जब आएगा तो दूसरा वाला अवेल करेगा, उसमें कमा लेंगे। ट्रेड ऑफ करो, एक का फायदा के लिए दूसरा में नुकसान सहो। समथिंग कैन बी प्लान लाइक दिस। ओके, तो ट्रेंड इन ग्रोथ ऑफ मार्जिन फ्रॉम ईच सेक्टर। अब इसमें टारगेट क्या लिया जा सकता है? इंक्रीज बाई 10% इन ईच सेक्टर फ्रॉम प्रीवियस ईयर। ऐसा करके बोल दीजिए हर सेक्टर में मुझे 10-10% का ज्यादा मार्जिन चाहिए। तो वो कैसे आएगा वो? ये सोच लो। इन ईच सेक्टर या ओवरऑल डाल सकते हैं आप, ऐसा भी डाल सकते हैं, इन ईच सेक्टर नहीं लिख के ओवरऑल डाल दीजिए। ये सब क्या है? हाइपोथेटिकल है, एग्जाम में आपको अपने दिमाग से निकालना होगा और एग्जामिनर लॉजिकल आंसर देखकर मार्क्स देगा। बस प्रॉब्लम ये होती है कि मिक्सिंग अप हो जाता है। कुछ कस्टमर सेटिस्फेक्शन का चीज आप फाइनेंस में लिख देते हैं, फाइनेंस का चीज आप बिजनेस प्रोसेस में लिख देते हैं। कई बार बिजनेस प्रोसेस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन कॉन्फ्लिक्टिंग लगता है, तो उसका कोई उपाय नहीं है। जैसे आप हो सकता है किसी सोल्यूशन में देखें वो 4 स्टार टू 5 स्टार को कस्टमर सेटिस्फेक्शन में डाला है। अब आप आर्ग्यूमेंट करेंगे तो लगेगा यहाँ ठीक है, एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोगों ने 5 स्टार रेटिंग लिया, बट 4 स्टार टू 5 स्टार अचीव करने के लिए आपको बिजनेस प्रोसेस में कितना सुधार करना पड़ा वो भी तो बात है। ओके, तो कॉन्फ्लिक्ट वुड रिमेन बट यू विल हैव टू कीप यूजिंग योर ब्रेन। अब इसके प्रैक्टिकल सम्स बाकी हैं जो नेक्स्ट डे करेंगे, आज आप इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू।